धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मिठी दरवाजा खोलो। जी कहिए। जी गोपी मोदी जी हैं? जय श्री कृष्ण, मैं कांतिलाल मेहता। जय श्री कृष्ण, मैं कोकिला मोदी हूँ। जी कहिए। जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अचार जैम मुरब्बे बनाने का मेरा कारोबार है। मैंने कल न्यूज चैनल पर न्यूज का वो हिस्सा देखा जिसमें आपकी गोपी मोदी चार के रेसिपी के बारे में बता रही थी। जी लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपके आने का तात्पर्य नहीं समझी। देखिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और बतौर सैंपल कम से कम 5 किलो अचार का ऑर्डर देना चाहता हूँ, पैसा जो वो चाहे। माफ कीजिएगा पर हमारी इस सब में कोई रुचि नहीं है, और रही बात गोपी बहू के अचार बनाने की तो वो ये काम नहीं कर सकती। एक मिनट। अरे पर तो ये ऑर्डर मैं ले लेती हूँ ना, एकदम वैसा डिट्टो अचार बना के दूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, मैं उर्मिला बेन शाह। गोपी को अचार बनाना मैंने ही सिखाया है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? उर्मिला बेन शाह गोपी की मामी, मैं बिल्कुल वैसा ही आचार बना सकती हूँ। अच्छा अच्छा, आपको खातरी नहीं है ना? अरे आचार के मामले में मैं गोपी की गुरु हूँ। एक मिनट गोपी, बता ना कि मैं तेरी मामी हूँ। उर्मिला बेन। अरे बोलना। अरे बोल ना। जी देखा, और इन्हें ये भी बता कि आचार बनाना मैंने ही तुझे सिखाया है, बोल ना। जी देखा, अगर ऐसी बात है तो आचार का पूरा कवर ऑर्डर मैं आपको देता हूँ। अच्छा अच्छा ओके। ये लीजिए एडवांस चेक। और बतौर सैंपल 5 किलो अचार मुझे कल शाम तक मिल जाना चाहिए। नक्की नक्की। आओ जो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाह ठाकुर जी, तुम्हारी लीला अपरंपार छे। चांदी का सेट नहीं मिला, राशि को 1600 रुपए नहीं मिले, वो इसलिए कि आप तो हमारी 5000 की लॉटरी निकालने वाले थे। फाई, खाना बन गया? अब क्या ही अचार से पेट भरना होगा? नो डिनर। बन गया अचार? ये वही अचार है ना जो बनाना बहुत आसान है और कुछ घंटों में बन जाता है। बनाने में बहुत आसान है। फही,
आपके हाथ अचार बनाने में अब भी कच्चे हैं। मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। छोटी ककड़ी क्या बोल के गई, मेरा हाथ अचार बनाने में कच्चा है। हाँ सेब उंगली तो सच है, सच कुछ मजा नहीं आया। हाँ मम्मी, अचार बन गया। आपको याद है ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल शाम तक का ही समय। हाँ दिख रही, बन गया अचार। पर बोलते हैं ना, स्वाद बनाने वाले के हाथ में होता है, बस वही कमी है। चाचू तो एक है कि स्वादिष्ट अचार सिर्फ गवारी बना सकती है। इसका मतलब ये है कि गोपी के हाथ में ही स्वाद है। मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करते, गोपी का बनाया हुआ अचार आप मेहता जी को अपने नाम से दे दो, बस काम हो गया। तो खड्डे में क्या गिरी, तेरा मगज तो दौड़ने लगा। मम्मी ये क्या बात हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, चल जल्दी काम पे लग जा। काम पे लग जा मतलब? अरे मतलब ये कि उस गवार का बनाया हुआ आचार अलग से साइड में रख दे। काले सवारे सवारे आगे ले जाए। चल चल जल्दी काम पे लग जा, मैं सवेरे आती हूँ। जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय श्री कृष्ण। सही करू का जी, आप ऐसे गोपी, मेरी बात सुन। गोपी गोपी गॉड, अब पता नहीं इस आचार पुत्री ने आचार कहाँ रखा है। ये भगवान, इतने अंधेरे में मैं कहाँ ढूंढू, लाइट तो ऑन भी नहीं कर सकती। किसी ने देख लिया तो गोपी, गोपी रुको, गोपी गोपी गोपी, तुम्हें इतनी तेज नहीं चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी सांसें कितनी तेज हो गई, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं है एमजी, वो तो राशि तुम यहां
काशी बहन आप चीखी क्यों? ओ, मैंने मैंने यहाँ छिपकली देखी इसीलिए। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं वो ये पानी भरने आई थी। राशि अंधेरे में पानी लेने आई थी तुम? हाँ, वो मैंने सोचा कि मैं जब तक लाइट ऑन करूंगी तब तक मैं पानी भर चुकी होंगी इसीलिए। अब वैसे आप लोग भी पानी लेने आए थे क्या? नहीं, वो चलो तो पानी।